अलावीज, हाउ आर यू ऑल। हम जब भी सुबह उठते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज रहती है, न्यू डे। नई चीजें आ गई हैं, नई चीजें आज करनी है, बहुत सारी नई नई चीजें आज होंगी हमारे साथ। इस मेंटालिटी के साथ, इस सोच के साथ हम अपनी नई सुबह की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको पता है कि 5 हैबिट अगर आप सुबह करते हैं तो आप अपने दिन को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना रहे हो और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप अपने अंदर डाल रहे हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये 5 चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, सुबह सुबह बिल्कुल नहीं करनी। इससे आपके अंदर ऑटोमेटिकली जितनी भी नेगेटिविटी फ्री में आ जाती है ना, वो सब कुछ चली जाएगी। वेल, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीजों पर वीडियोस बनाती हूँ। गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देती हूँ, मैंने नया पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करा है जहां पे मैं खुद के बनाए हुए पॉडकास्ट डालती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स से रिलेटेड। लेकिन वहां पे सिर्फ एयरफोन्स लगा के सुनना है और उसको सुनने का बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें उस टाइम अट्रैक्ट करते हो। एंड जरूर उस पॉडकास्ट को सुनना। मैं रोज शाम को 7 बजे वहां पे न्यू वीडियो डालती हूँ। चैनल की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आज मैंने डाला है सेल्फ लव के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, तो कमेंट सेक्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं वो सारी 5 चीजें जो हम गलती से सुबह कर लेते हैं और उससे हम फ्री में नेगेटिविटी को बुला लेते हैं, मतलब वेलकम कर लेते हैं। बात करते हैं पहली चीज की, दैट इज सुबह उठते से ही, जैसे हम सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं, अपना खुद का फेस देखते हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने बाल ठीक करेंगे, अपना फेस ठीक करेंगे एंड सो मेनी थिंग्स। आपको ये नहीं करना है। सुबह सुबह कभी भी शुरुआत के 15 मिनट, अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे से लेकर 6:15 तक आपको आपका फेस बिल्कुल नहीं देखना है मिरर के सामने। क्यों नहीं देखना है, इसका रीजन भी बता देती हूँ। इतनी लंबी रात होती है, जैसे अगर आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 5-6 घंटे आप नॉर्मली सोते हैं, इस टाइम पे बहुत सारी एनर्जीज आपके आसपास होती है। कभी कभार हम बुरे सपने भी देख लेते हैं, कभी कभार हम अच्छे सपने भी देख लेते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी ये नाइट वाला सीन होता है, यहाँ पे नई नई चीजें होती है, लाइक ड्रीम्स का आना, हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती है, हर चीज होती है रात में, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होती। अगर सुबह उठते से हम अपने फेस को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती है और ये होता है। आप 7 दिन ट्राई कर लो, अपना चेहरा बिल्कुल भी मत देखो, सुबह उठते से आप अपने अंदर चेंजेस देखने लग जाओगे। सुबह सुबह अपने आपको तैयार करना, निहारना बंद कर दीजिए, बल्कि वो टाइम आप नेचर को दीजिए। जैसे आप सुबह उठते हो, कोशिश करिए 15 मिनट के लिए आप अपनी बालकनी में चले जाइए, आप अपने घर के डोर पे चले जाइए, फ्रेश एयर को लीजिए, ना कि सुबह सुबह अपना चेहरा देखना एंड बाकी सारी चीजें करना। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है सुबह उठते से ही, कि अपना फोन हाथ में नहीं लेना है। मोस्टली हमारी जनरेशन क्या करती है, फोन लेती है, रील्स देखती है, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखती है। अगर आपका काम व्हाट्सएप के थ्रू चलता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ऑफिस के काम चल रहे हैं, बैंक के काम चल रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसके काम भी चलते रहते हैं, प्लीज कोशिश करिए सुबह के 10-15 मिनट बिल्कुल फोन को हाथ ना लगाइए। वो टाइम आप खुद अपने आप को दीजिए, ना कि इन चीजों को करना। सुबह सुबह ही आप कोई अजीब सी नेगेटिव न्यूज पढ़ लेते हैं, पूरे दिन आपके माइंड में वही चलती रहती है। इसलिए सुबह सुबह अवॉइड करें, अपने फोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। पहली चीज बता दी, दूसरी चीज बता दी, अब आते हैं तीसरी चीज पे। सुबह उठते से ही कंप्लेंट्स नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। ये बहुत फ्री वाली चीज होती है। कभी कभी हम सुबह सुबह उठते से ही इरिटेट से हो जाते हैं, अजीब सा लगने लग जाता है, तो हम लोग को चिल्लाने लग जाते हैं, हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव बनाती है, गुस्सा देती है। इसलिए सुबह सुबह कोशिश करें कि इन सारी नेगेटिविटी को हमें नहीं लेना है। बात करते हैं फोर्थ चीज की, दैट इज आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं ये टाइम हमें नेचर को देना चाहिए, ये टाइम हमें यू नो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें नया दिन दिया है, नया दिन गिफ्ट करा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए सुबह उठते से ही कॉल्स पे बात करना दूसरी चीज करने से अच्छा है, आप की नेचर में खड़े होइए, 10-15 मिनट ग्रैटिट्यूड में बताइए, ना कि बस काम सुबह उठे और काम में लग गए। इसलिए उस चीज को अवॉइड करिए। मैं आपका पूरा दिन नहीं मांग रही हूं, लेकिन मैं आपके सिर्फ 10-15 मिनट मांग रही हूं। इस 10-15 मिनट को बहुत पॉजिटिवली यूज करिए और कोशिश यही करिए दैट यू नो अपने नेचर में जाके खड़े हो जाना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th चीज जो मैं मानती हूं और मैं इसको सोचती भी हूं कि ऐसा होता है, जब भी हम नया दिन स्टार्ट करते हैं तो हम अपने मुंह से बोलते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा,
आज का दिन तो खराब है, आज का दिन तो बकवास है, अरे यार आज यहाँ जाना है, आज ये करना है, आज वहां जाना है, इन चीजों के साथ कभी भी अपना नया दिन शुरू मत करा करिए, क्योंकि यू नेवर नो नया दिन आपके लिए कौन सी नई ब्यूटीफुल ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, नया मिराकल लेकर आ रहा है। और हम हो जाते हैं कि यार आज ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, तो उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करिए, बल्कि एक्साइटमेंट में रहिए। व्हाट इफ आज मैं वहां जाऊं तो मेरी यूनिवर्स ये विश पूरी कर दे, व्हाट इफ अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास उसका कॉल आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन, यू नो। तो आप ऐसे करके उसको यूटिलाइज करिए, सुबह सुबह कोशिश करें इन पांच चीजों को बिल्कुल भी ना करें, ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर पॉजिटिविटी जनरेट कर लेंगे। और जितना ज्यादा हो सके ना सुबह के टाइम तो नेचर को दिया करो, फ्रेश एयर लिया करो, और ज्यादा अगर आप मेडिटेशन करते हो सुबह सुबह फोन से, सबलिमिनल सुनते हो, तो बिल्कुल आप उसके लिए फोन यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि सुबह सुबह मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, रील्स देखने में टाइम बिजी रखने हैं, वो चीज आपको नहीं करना। ये सुबह का टाइम ऐसा है जो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी गेन करनी पड़ती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वहां बताऊंगी ऐसी पांच रेमेडीज जो आपको सुबह करना चाहिए, यहां पे ये चीज नहीं करना चाहिए, अगला वीडियो बताऊंगी वहां पे ये चीजें करनी चाहिए, इसलिए इन चीजों को अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स हमें आगे जाके बड़ी बड़ी यू नो लाइफ लेसन देते हैं एंड पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी बिकॉज यू डिजर्व इट।